रिमेंबर दैट, यू विल बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो आपने कभी हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीत गया, विराट कोहली भी जीत गए, नोबडी हैज कॉल्ड हिम बट गॉड मेड अ कॉल फॉर हिम कि आपने 71वां शो करना है आज, और आई मेड अ कॉल फॉर हिम कि आपने 100 से ज्यादा शो करने हैं आपने। और ये जो 29 शो हैं ये इनकी मॉरल इनको ड्रेन कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे, लेकिन ही विल हैव नो रिग्रेट्स। इनके बॉडी के हिस्से, हड्डियां, पसलियां टूट जाएंगी, मोस्टली ड्रेन हो जाएंगे, लेकिन ये 29 शो करना बहुत जरूरी है। ये वो 29 शो हैं जो विराट कोहली को ग्रेटेस्ट एवर बनाएंगे। थैंक गॉड फॉर दैट कि विराट कोहली पहले 50 ओवरों में, पहले 50 रन जो उन्होंने बनाए, वो असल विराट कोहली नहीं दिखा मुझे। मुझे पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली पैचेस में नजर आ रहे थे, लेकिन असल विराट कोहली नजर आया जब उन्होंने आखिरी 50 किया। जब उन्होंने 100 वाला 50 किया तो तब लगा कि एट विल विराट कोहली मार रहा है, एट विल उसका बल्ला चल रहा है, एट विल उसकी चीजें वापस आना शुरू हो गई हैं। और उससे पहले विराट कोहली के साथ साथ मैं भूमि का भी मेंशन करना बहुत जरूरी समझता हूँ, और कॉम्बिनेशन का भी कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि इंडिया फाइनली भूमि पे एनएसआर करते हुए और बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, अपनी स्किल पे आया, बॉल को घुमाया, अलाउ किया बॉल को घूमना और सेम कराना। तो गुड, वेल डन भूमि, बट इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर यू। और बट वी गॉट टॉक अबाउट विराट कोहली, रीजन वाई 71वां शो मेरे लिए मैटर क्या करता था, मैंने पहले भी कहा था इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, और ये 29 शो जो आखिरी रह गए हैं ये इनके लिए बड़े मुश्किल होंगे। और ये जो 17वें शो से निकल के 71वें शो पे आए हैं, ये देख लें इनको तकरीबन कोई 900 दिन लग गए हैं, लेकिन अब ये रुकेंगे नहीं। और ये कन्फ्यूजन मत पैदा करना कि विराट कोहली एज अ ओपनर आपके पास आ गए, नहीं ऐसी बात नहीं है, बेहतरीन ओपनर दुनिया के इंडिया के पास, और वो उनको यूटिलाइज करेंगे और कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। ऑल इज नॉट लॉस फॉर इंडिया, बिकॉज देखें आपको ये बात तारीफ करनी पड़ेगी हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान ने ये टूर्नामेंट कराया और ये मेला सजाया। ये मेला हिंदुस्तान के बगैर और उनकी एफर्ट्स के बगैर और जय शाह की एफर्ट्स के बगैर, स्टार स्पोर्ट्स, मेरा दोस्त संजय गुप्ता जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट किया है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इनके बगैर ये मुमकिन बिल्कुल नहीं था। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेल डन, यू आर कीप ग्रोइंग। आप बहुत अच्छी टीम बनते जा रहे हो। आप पहले आपने हमसे खेलना सीखा है, आपने हमसे खेलना सीखा पिशावर में, अब हमसे फिनिश करना भी सीख लो, और आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप ऊपर जाते जाओ। और अग्रेशन जरूर रखो, लेकिन प्लीज वो लाइन क्रॉस ना करो, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग, आपको फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, आपको आगे भी जाना है, और आपको ये भी दिखाना है दुनिया के आप क्योंकि एक अच्छे लोग नहीं बल्कि अच्छे क्रिकेटर नहीं बल्कि अच्छे लोग भी हो, और इसकी वजह से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और अफगानिस्तान इंशाल्लाह जो मदद होगी पाकिस्तान अफगानिस्तान की करेगा व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट और एनीथिंग, और हम करते भी हैं, हमारे भाई हैं, लड़ाई हो जाती है दोनों भाई में, लड़ाई हो जाती है कोई मसला नहीं, लड़ाई होगी हमारी, हम दोनों भाई लड़ पड़े कोई मसला नहीं, ये हमारा मसला है, हम अपने दोनों भाई अपने सेटल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्राउड को मैं बार बार, क्योंकि मैं अखवान और पखवान से और पश्तूनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे बहुत लाड करते हैं, मुझे हर पठान आगे यही कहता है यार कि तू हमारे जैसा दिखता है और हम जैसा लगता है, क्योंकि तेरी तबीयत पठानों वाली है। सो प्लीज अपना बिहेवियर कंट्रोल रखिए और तोड़ा ताड़ी ना करें, क्योंकि दुनिया की पुलिस है वो बख्शती नहीं है आपके लिए, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, डिपोर्ट कर सकते हैं आपको, केसेस बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता हमारे जो भी अखवान भाई जो पाकिस्तानी पासपोर्टों पे गए हुए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उस पासपोर्टों पे गए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे अखवान भाई के साथ कुछ ऐसा गलत हो। दूसरी बात ये विराट कोहली आपके लिए, आपकी बेगम, आपकी वालदा, हर मर्द को शुक्रिया अदा करना चाहिए औरत का, क्योंकि किसी न किसी के पीछे वो एक औरत जरूर होती है। पहले मैं इस बात पे मैं बहुत सोचता था कि कैसे मुमकिन है कि मेरी वालदा तो मेरे साथ रही, तो आई एम इंडेटेड टू माय मदर। सो विराट कोहली ने पोस्ट इंटरव्यू में भी कहा कि शी सीन द वर्स्ट साइड ऑफ मी, वो अपनी बेगम के बारे में बात कर रहे थे। हैट्स ऑफ टू अनुष्का शर्मा, वेल डन, यू आर आयरन लेडी एंड ही इज द मैन मेड विद स्टील, मिस्टर विराट कोहली, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और विराट कोहली, यू आर अ मैन ऑफ ग्रेट नर्व, कीप ग्रोइंग, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो, हक बात करते हो, सच बात करते हो, सच का साथ देते हो, आपके साथ एंड में कभी गलत नहीं होगा, लेकिन ये 2900 आपकी जान निकाल के छोड़ेंगे, निचोड़ देंगे आपको, जैसे तोलिया नहीं मरोड़ के निचोड़ते, ऐसे आप निचल जाएंगे, लेकिन रिमेंबर दैट यू विल बी रिमेंबर्ड एज द ग्रेटेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। तो आपने कभी हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, कीप ट्रेनिंग हार्ड, कीप पुशिंग हार्ड,
गोड़े घेटे आपके ठीक हैं, मेंटली यू आर स्ट्रांग, यू हैव अ कंट्री ऑफ 1.6 बिलियन एंड यू हैव अ फैन इन पाकिस्तान टू एंड दे ऑल चेयरिंग यू अप एंड मेकिंग श्योर दैट यू गो आउट देयर एंड डू व्हाट इज नेसेसरी. व्हाट इज नेसेसरी? सो करने आपने, और सो करने के लिए आपको बड़ी जान लगानी पड़ेगी. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू विराट कोहली फैमिली, टू हिज वाइफ, हिज मदर एंड टू एवरीबॉडी. दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट एंड देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर विराट कोहली. विराट कोहली अगर समझते हैं कि ये फॉर्मेट में उनके लिए बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड कप के बाद सोचें, जरूर सोचें वर्ल्ड कप के बाद कि उनको ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो 29 हैं जो क्रॉस करने हैं, या क्रॉस करने हैं उन्होंने. वहां पे इनको सोचना पड़ेगा अपने मुस्तकबिल के बारे में, वहां पे वो सोचें. आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक और बहुत मजा आया. आखिरी 50 ओवरों में पुराना विराट कोहली वापस आ गया और बहुत सारे लोगों के मुंह बंद कर दिए. सो डोंट वरी अबाउट द फोन कॉल मिस्टर विराट कोहली. God has made a call for you. So make sure you go out there, play at your best, and make sure that you keep striking the ball with a great intent. Or give yourself a time. That is very important. आपने अपने आपको time दिया and आपने show कर दिया. 29 हो रहे थे भाई. Wish you best of luck. Take care.